हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई आज हम खड़े हैं ऑल न्यू हुंडई वेन्यू के सामने। मॉडल की बात की जाए तो आपको मॉडल देखने को मिलता है ई मॉडल, बिल्कुल बेस मॉडल। तो भाई बेस मॉडल में चेक करेंगे हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रिव्यू करेंगे और इसकी डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी फ्रंट ग्रिल जो कि आपको राउंड शेप के अंदर देखने को मिलता है, इसका क्रोम फिनिशिंग का काम। यहाँ पे आपको मिलता है हुंडई की बैजिंग। नीचे आपको मिलती है भाई रेडिएटर ग्रिल और इसकी प्लेट देखने को मिलती है जो कि आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने को मिलती है। भाई अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प की। ऊपर आपको मिलते हैं देखने को यहाँ पे साइड इंडिकेटर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर ही मिलेगी देखने को। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको मिलता है हेडलैम्प जो कि आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब के अंदर देखने को मिलते हैं। डीआरएल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं भाई साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है जो कि इसके अंदर आपको अपोलो के टायर देखने को मिलते हैं। टायर साइज की बात की जाए तो 195/65R15। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर जो व्हील है उसके अंदर आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बेस मॉडल के अंदर कोई भी अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल व्हील कैप देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको मिलता है फेंडर के अंदर ही इसका इंडिकेटर। यहाँ पे आपको इसका मिलता है भाई साइड मिरर जो कि आपको ऑटो फोल्डेबल भी नहीं मिलता, ना ही आपको ORVM कंट्रोल्स देखने को मिलता है, हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे अंदर से। यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई जो इसके ORVM है बॉडी कलर्ड आपको नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है भाई इसका डोर हैंडल बॉडी कलर्ड, मैनुअल की का ऑप्शन। यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड हैंडल मिलेगा देखने को, डोर हैंडल। अब बात करते हैं भाई बैक प्रोफाइल की। तो भाई कुछ इस तरीके की बैक प्रोफाइल देखने को आपको मिलती है। यहाँ पे जो आपको मिल जाता है एंटीना, यहाँ पे आपको हाई ब्रेकिंग लाइट, डिफोवर और वाइपर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो पूरा टिल लैंप देखने को मिलता है, टॉप मॉडल के अंदर पूरा ही LED सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो इसके ब्रेकिंग लाइट है टिल लैंप के अंदर, वो आपको हेलोजन बल्ब के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई इंडिकेटर। भाई सेफ्टी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको दो पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं दो दो रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आपको मिलती है रिवर्स लाइट की इंडिकेशन। नीचे आपको इसकी प्लेट जो कि आपको सिल्वर कलर के अंदर देखने को मिलती है। भाई अब बात करते हैं यहाँ की साइड प्रोफाइल की। यहाँ पे आपको मिलता है भाई रिफ्यूल कराने के लिए पेट्रोल का ऑप्शन। ठीक है भाई, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। उससे पहले मैं इसकी की निकाल लेता हूँ बेस मॉडल के अंदर हमें कैसी की देखने को मिलती है ई मॉडल के अंदर। तो भाई कुछ इस तरीके की आपको की देखने को मिलती है जो कि काफ़ी सिंपल की देखने को मिलती है, जो कि कोई भी आपको स्मार्ट की देखने को नहीं मिलती है। मैनुअल की का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि यहाँ से लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या आपको मिलता है। तो भाई कुछ इस तरीके का आपको ड्राइवर साइड डोर मिलता है देखने को जो कि ड्यूल टोन के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे आपको व्हाइट पीच के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको भाई ड्राइवर और कंडक्टर साइड मिरर कंट्रोल्स मिलते हैं, बाकी इसके अंदर आपको कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलते। नीचे बोतल होल्डर, यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग में लॉक हैंडल देखने को मिल जाता है। ट्विटर देखने को नहीं मिलता और भाई ये आपको साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। नीचे एक स्पीकर मिलता है। तो भाई कुछ इतना ही इसके अंदर देखने को हमें काम मिलता है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर की। उससे पहले मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। आपको फैब्रिक के अंदर सीट देखने को मिलती है, यहाँ पे सीट एडजस्टेबल। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि ड्यूल टोन के अंदर देखने को आपको मिलता है। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, काफ़ी गर्मी हो रही है भाई, एक मिनट। तो भाई कुछ इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि ड्यूल टोन के अंदर। यहाँ पे आपको इसका स्टेयरिंग मिलता है, स्टेयरिंग पे आपको मिलते हैं कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के नहीं मिलते, यहाँ पे आपको मिलते हैं MID कंट्रोल्स जो कि आपको यहाँ पे सेटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको ड्यूल टोन के अंदर ही स्टेयरिंग मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है भाई लेफ्ट साइड मिलता है वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स, बीच में आपको मिलता है इसका भाई मतलब स्पीडोमीटर मिल जाता है,
लेफ्ट साइड तो आपको मिलता है भाई स्पीडोमीटर, राइट साइड आपको आरपीएम मीटर, बीच में इसकी एमआईडी मिलती है। स्टीयरिंग की बात की जाए आपको आपको टिल स्टीयरिंग मिलता है, टेलीस्कोप इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है भाई, बीच में एमआईडी के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ एक कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि आपको मिलता है हेडलैम्प कंट्रोल। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है राइट साइड का एसी वेंट्स जो कि सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बीच में कोई म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड आपको एसी वेंट्स मिलता है जो कि आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको म्यूजिक सिस्टम बाहर से ही अपना कराना पड़ेगा। नीचे आपको मिलता है हैजर्ड लाइट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिलता है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन एसी वेंट्स एसी कंट्रोल्स। नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट और 120 वोल्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको सी टाइप केबल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस, कोई वायरलेस चार्जर नहीं। यहाँ पे आपको गियर सिस्टम मिलता है भाई 5 गियर और एक रिवर्स के साथ, जो कि इसके ऊपर भी आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। नीचे आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, और यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, एक बोतल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस। ठीक है भाई, इतना ही आपको देखने को मिलता है। ऊपर आपको मिलता है भाई यहाँ पे सन होल्डर, यहाँ पे आपको रिवर्स मिरर जो कि आपको मैनुअली मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है भाई कंडक्टर साइड सन होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई ग्लव बॉक्स। भाई अब बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। म्यूजिक सिस्टम तो नहीं है पर इसके अंदर आपको स्पीकर मिलते हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं। ट्विटर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी के अंदर इसके अंदर 2 ही एयरबैग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है कंडक्टर साइड डोर जो कि आपको ड्यूल फिनिशिंग में ही मिलता है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स और नीचे बोतल होल्डर और एक स्पीकर देखने को मिलता है। मैनुअली ही आपको साइड मिरर देखने एडजस्ट करने के लिए मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे पैसेंजर साइड और देखते हैं इसमें कितना स्पेस देखने को मिलता है। हाइट अकॉर्डिंग मैंने सीट को सेट कर लिया है भाई। यहाँ पे आपको साइड फेंडर के ऊपर ही ब्लैक ग्लोसी फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है, ये मैं भूल गया था। यहाँ पे आपको मिलता है पैसेंजर साइड डोर जो कि आपको ड्यूल फिनिशिंग में ही देखने को ये भी मिलता है। यहाँ पे आपको ड्यूल फिनिशिंग यहाँ पे मिलती है व्हाइट कलर की ब्लैक। यहाँ पे आपको भाई मैनुअली ही मिरर डाउन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है, कोई भी आपको ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है, नीचे बोतल होल्डर और एक स्पीकर। तो भाई सीट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ड्यूल टोन के अंदर आपको सीट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है फैब्रिक के अंदर। तो भाई कुछ इस तरीके से आपको पीछे से इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई सीट के ऊपर जो भी ड्राइवर और कंडक्टर साइड है जो अपने हेडरेस्ट है एडजस्टेबल मिलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पीछे की। पीछे यहाँ पे आपको जो पीछे की पैसेंजर साइड सीट है उसके हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते, फिक्स्ड मिलते हैं, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मिल जाता है बीच में एक रीडिंग लाइट हैलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे आपको मिलता है बिल्कुल सेम जो कि इस साइड का डोर था। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, देखते हैं कितना स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे वन टच ही आपको बूट स्पेस ओपन करने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती है थोड़े से स्पेयर, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे ना ही पार्सल ट्रे। नीचे आपको मिलता है इसके स्पेयर व्हील। टायर साइज की बात की जाए तो टायर साइज आपको 15 इंची व्हील देखने को मिलते हैं। ठीक भाई, अब बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ से आपको इंजन ओपन करने का लीवर मिलेगा और अब देखते हैं इंजन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है।